वीरासुर, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। ये धरा भी तुझे अपने में समाने में असमर्थ है। कहां तक भागोगे? तलवार? तलवार तो मेरे पास भी है, प्रहार तो मैं भी उस दुष्ट पर कर सकता हूं जिसने मुझे अपना दास समझ रखा है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं जीवित छोड़ूंगा उसे। सावधान रीनू, वो कोई साधारण मानव नहीं है, पातालवासी असुर है। उसकी आसुरी शक्ति के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भला इसी में है कि तुम छुप जाओ, छुप जाओ। मुझ पर दया करें श्री गणेश, मुझ पर दया करें। साधु बाबा ने तो मुझे बताया था कि मेरे माता पिता चंद्रपुर में हैं, परंतु मैं बार बार चंद्रपुर का मार्ग भटक जाता हूं। मेरा मार्गदर्शन करें श्री गणेश, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। अब मेरा प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तूने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया दुष्ट, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए कह कि मैंने जो कुछ भी कहा वही सत्य है। परंतु आप किंतु परंतु शब्दों से मेरी भयानक शत्रुता है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ले, संभाल मेरे प्रहार को। कमलासुर की आज्ञा न मानने का परिणाम यही होता है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी मूल्य पे इसकी प्राण रक्षा करनी होगी। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश, आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। मेरी सहायता करिएगा श्री गणेश। आप कि जश भैया दिनू, तुम मेरे खोए हुए जुड़वा भाई हो। भैया, तुम जिस गणेश को याद कर रहे हो उसी ने मुझे तुमसे मिलवाया है, परंतु कितना निर्दयी है तुम्हारा गणेश। तुम उसके भक्त हो, अचेत होकर के भी उसका नाम जप रहे हो, फिर भी उसने तुम्हारी दुष्ट कमलासुर के प्रहार से रक्षा नहीं की। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं कैसे तुम्हारा उपचार करूं? भैया दीनू, भैया मैं तुम्हें कैसे सचेत करूं? मैं क्या करूं भैया? यदि मैं तुम्हें इस समय गांव लेकर जाऊंगा तो गांव वाले यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें घायल किया है। अब रात होने तक मुझे यही इसी गुफा में रुकना होगा। निर्दयी कठोर हृदय गणेश,
अपने भक्तों को परीक्षा के नाम पर दिए गए कष्टों से मुक्ति दो, अन्यथा कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा पूजा। अब मैं मां जैसी देव की बुआ को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुझे मेरी सौगंध भैया, मुझे और कलंकित न करवाना। ये गांव वाले तो मेरे नाम को भी अपशगुन मानते हैं। अब यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी स्वयं को अशुभ मानने लगूंगा। भैया 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 जाने किस अशुभ घड़ी में युवराज को इस रहस्य का ज्ञान हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती महाराज। धीरज रखो महारानी चंद्रावती, हमने युवराज चंद्रकेतु को श्री गणेश की कृपा से ही प्राप्त किया है। देख लेना, श्री गणेश कृपा ही युवराज को लौटा लाएगी। नहीं महाराज, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं अपने आराध्य श्री गणेश जी के सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं, नहीं महारानी, आप इस प्रकार शोक न करें। युवराज ने मुझे वचन दिया है कि वे अपने माता पिता का पता लगाकर शीघ्र ही आपकी सेवा में लौट आएंगे। वचन तो उसने मुझे भी दिया था कि मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। माता पिता और गुरु में कोई अंतर नहीं होता महारानी। युवराज आपसे नहीं तो राज पुरोहित जी से कह कर गए हैं, उसकी बात पर विश्वास करो, वो आएगा, अवश्य आएगा। ये खोखली सांत्वना है महाराज, मुझे पता है मेरा पुत्र अब नहीं लौटेगा। 20 वर्ष पहले खोए हुए माता पिता उसे कहां मिलेंगे? मेरे जीने का आप कोई आधार नहीं है। आपने बहुत कठिन परीक्षा ली है मंगल मूर्ति। मैं इस परीक्षा में सफल होने के स्थान पर अपने प्राण त्याग देना ही उचित समझती हूँ। शांत हो जाओ महारानी, शांत हो जाओ। महारानी चंद्रावती। व्यग्र न हो महाराज, मैं अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार विश्वास पूर्वक ये कह सकता हूं कि शीघ्र ही युवराज का आप दोनों से मिलन होगा और गणेश महाराज की कृपा से महारानी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। हमें आपकी ही कृपा का आश्रय है श्री गणेश। मेरे पुत्र चंद्रकेतु की रक्षा करना, उसकी मनोकामना पूरी करना मंगल मूर्ति, महारानी के मन को शांति प्रदान करना। शीघ्र प्रकट हो दयासुर। जय जय शिवा गणेश। प्रणाम प्रभु, आपके आदेश पर मैं प्रकट हुआ मंगल मूर्ति। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या क्या इस समय मेरे लिए कोई आदेश नहीं है मंगल मूर्ति? क्या मुझे आपके आदेश का भ्रम हुआ था? मौन ना रहे गौरी पुत्र, मौन ना रहे, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दयासुर, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर भक्ति भावना का अब अंत होने लगा है। जिस आसुरी तत्व से तुम्हारा निर्माण हुआ वह पुनः उत्तेजित हो रहा है। ऐसा आरोप क्यों विनायक? पातालवासी दैत्यों के समान तुम भी गहरी नींद में खोकर अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हो। अब हम ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि अपने भक्तों की सहायता का कार्य तुमसे न करवा के हमें स्वयं ही करना होगा। नहीं नहीं मंगल मूर्ति, ऐसा न कहे।
मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा ही तत्पर रहता हूँ। मैंने आपके परम भक्त युवराज चंद्रकेतु का मार्गदर्शन किया, आपकी आराधिका देवकी को आश्वासन दिया, कमलासुर की कुसंगति में पड़े विनु को उसके अपराध का ज्ञान करवाया और उसके बाद किसी गुफा में जाकर पातालवासी दैत्य और दानवों के समान गहरी नींद में सो गए। और नींद में भी सोए तो ऐसे कि तुम्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि युवराज चंद्रकेतु का क्या हुआ। उसके वियोग में तड़पती तड़पती महारानी चंद्रावती को कितना आघात लगा, देवी का दुख किस सीमा तक जा पहुँचा। मैं अपनी भूल नहीं अपराध के लिए लज्जित हूँ। श्री गणेश, आप मुझे दंडित करें, प्रताड़ित करें, परंतु मेरी उपेक्षा न करें। मुझे इन चरणों की भक्ति में पड़े रहने दे। मुझे क्षमा करें श्री गणेश, मुझे क्षमा करें। तुम्हारी भूल क्षमा के योग्य नहीं है दयासुर। भक्त के जीवन में भूल का स्थान नहीं होता। अब तो विश्वास करने योग्य गणेश भक्त नहीं रहे। नहीं मंगल मूर्ति, नहीं नहीं, ऐसा कठोर दंड दे मुझे। मेरी श्री गणेश भक्ति पर संदेह न करे गौरी पुत्र श्री गणेश। मुझ पापी का उद्धार करने वाले दया निधान श्री गणेश, मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। मुझे गणेश भक्तों की सहायता करने का आदेश दे गौरी पुत्र श्री गणेश। नहीं, अब हम तुम्हें कोई आदेश नहीं देंगे। जो करना होगा वह हम स्वयं करेंगे। तो क्या हम तुम हमारी ओर से स्वतंत्र हो? भक्ति से प्राप्त शक्ति द्वारा तुम्हें अपने भविष्य का मार्ग ढूंढना होगा दयासुर। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गणेश भक्तों की सहायता का कार्य यदि तुम करते रहे तो पुनः हमारी कृपा के पात्र बन जाओगे। हे प्रभु, हे गौरी, हे मंगल मूर्ति, मुझे क्षमा कर। हे परम देव श्री महागणेश, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर दे। आप कहाँ हैं गौरी पुत्र श्री गणेश? माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही है मंगल मूर्ति। जय जय श्री महागणेश। खोए हम आदकट माता, जब आपका आशीर्वाद है तो मुझे कैसी चिंता। परंतु लंबी प्रतीक्षा कभी कभी मन को विचलित कर देती है। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या गौरी पुत्र श्री गणेश? प्रणाम माता अदिति, मैंने महोत्कट को आपके दर्शन करने के लिए आने का संदेश भेजा था, इसीलिए ये व्यग्र होकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आश्रम में तो कोई नहीं आया, फिर तुमने संदेश किससे भिजवाया? माता, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हम दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। अर्थात मेरे मन में उठने वाली बात महोत्कट और महोत्कट के मन में उठने वाली बात को मैं जान जाता हूँ। क्या तुम माता पार्वती से आज्ञा लेकर आए हो? माता, अब गौरी पुत्र ने ये निश्चय कर लिया है कि वे माता पार्वती से कहे बिना कैलाश से कभी अदृश्य नहीं होंगे। और तुम भी मुझसे आज्ञा लिए बिना कहीं नहीं जाओगे ना? माता अदिति, जब आप महोत्कट को अपने से अलग करना ही नहीं चाहती तो फिर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों महोत्कट? गौरी पुत्र, तुम्हारे मन में मुझसे किसी आवश्यक विषय पर चर्चा करने की भावना जागी थी, किस विषय पर? माता अदिति, ऋषिवर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आजकल वर्षा ऋतु है ना, इसलिए वन में सरलता से अनेकों जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ मिल जाती हैं। ऋषिवर उन्हें नियमित एकत्र करते हैं और उन्हीं औषधियों से आसपास के ग्रामवासियों की सेवा करते हैं। धन्य है ऋषिवर और धन्य है उनकी सेवा भावना। तुम दोनों आपस में चर्चा करो, मैं मोदक बनाकर लाती हूँ। चर्चा हमें किसी एकांत स्थान पर करनी चाहिए जिससे किसी को पता न चले। तुम ठीक कहते हो, चलो।
गौरी पुत्र, तुम तो जानते हो कि मैं मयूरेश्वर होते हुए भी बहुत कड़की भूमिका निभा रहा हूँ, जिससे माता अदिति को दुख न हो। परंतु कभी कभी मेरा मन चिंतित हो जाता है। किस बात को लेकर चिंतित हो जाता है तुम्हारा मन? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजनीय माता अदिति के साथ छल तो नहीं कर रहा हूँ। अपराध भावना, ये तुम्हारी भूल है। क्या माता अदिति और पिताश्री कश्यप ऋषि को धोखे में रखना उचित है? तुमने कोई छल नहीं किया है मयूरेश्वर। नहीं, तुमने कोई अपराध किया है। फिर इस प्रकार तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब परम देव श्री महागणेश की इच्छा से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मयूरेश्वर, जब तक तुम्हारे हाथों उस दुष्ट सिंधु के पुत्र कमलासुर का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें यही रहना होगा महाकट के रूप में। परंतु माता की सेवा में तुम मयूरेश्वर न रहकर महाकट के रूप में रहो। इससे क्या अंतर पड़ता है? हम सब परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। हमारे रचना तत्व में तनिक भी अंतर नहीं है। इस बात की याद तो तुम्हें भी होगी गौरी पुत्र, कि महादेव ने भी हमें समय के साथ माता अदिति के सामने इस रहस्य को खोल देने की आज्ञा दी थी। समय आते ही तुम्हें परम देव श्री महागणेश की कृपा से रहस्य को खोलने का संकेत मिल जाएगा। इस समय इन सारी चिंताओं को भूलकर अपने अवतार का कर्तव्य पूरा करो। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों? तुम्हें भी तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका है। अब कमलासुर को तपस्या और वरदान के लिए प्रेरित करने में और देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी उसी उद्देश्य के लिए कैलाश से निकला हूँ। समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विनू और दीनू शीघ्र ही तुमसे आकर मिलेंगे। जय हो श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। देखो इसे, ये तुम्हारा भक्त है। अचेत होकर भी केवल तुम्हें पुकार रहा है। परंतु तुम इसकी पुकार सुनना ही नहीं चाहते। ये तुम्हारी कठोरता और निष्ठुरता का प्रमाण है। अपने भक्तों पर कृपा का ढोंग करने वाले तुम कब तक ऐसा पाखंड करते रहोगे? बोलो, आज तुम्हें मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना होगा।
मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी शत्रुता तो मुझसे है, तुम्हारी निंदा तो मैं करता हूँ, मैं फिर तुमने इस निर्दोष को क्यों दंडित करवाया? क्या अपराध किया था इसने? बोलो, उत्तर दो। तुम्हारा ये भक्त दिन भर से अचेत पड़ा हुआ है, पता नहीं जीवित बचेगा भी या नहीं, परंतु एक बात अच्छी तरह से सोच लेना कि इसकी मृत्यु तुम्हारी भक्ति की पराजय और मेरी नास्तिकता की विजय होगी। अब यदि तुम पराजय स्वीकार करना चाहते हो तो ठीक है, जैसे मेरे माता पिता को अपने पास बुला लिया था, इसे भी बुला लो तुम इसे अपने पास, जिससे मैं तुम्हारी निष्ठुरता, कठोरता और पराजय का प्रचार कर सकूं। बुला लो इसे अपने पास, बुला लो इसे अपने पास, बुला लो तो। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। आप धन्य हैं श्री गणेश, इस चंद्रपुर गांव पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे, ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। मैं गांव के गांव, अरे वीनू, ये दुष्ट पापी नास्तिक वीनू यहां कैसे है? क्या कोई इसे मारकर यहां फेंक दिया? वीनू हे दीनहीन पर कृपा करने वाले श्री गणेश, इस पर दया करना, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी देवकी बुआ रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, वो आपकी सच्ची भक्तिन है, उसके प्राणों की रक्षा के लिए इस अभागे पर दया करो, इसके अपराधों को क्षमा करो। मुझे देवकी बुआ को तुरंत सूचित करना चाहिए। ये क्या हो गया पुत्र? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है। अरे अभागे, ये अपराध और अन्याय का मार्ग जो तूने पकड़ा था, उसका परिणाम यही तो होना था ना? धैर्य रखो बुआ, धैर्य रखो। हे भगवत्सल भगवान श्री गणेश, इस अज्ञानी के अपराधों को क्षमा कर दो। यदि तुम्हारा न्याय दंड देना चाहता है तो इसके बदले मुझे दंड दे दो प्रभु, पर इसे क्षमा कर दो, इसके प्राणों के बदले मेरे प्राण ले लो, पर इसे क्षमा कर दो प्रभु, अन्यथा अपने भाई भाभी को दिया हुआ वचन मैं मरकर भी पूरा नहीं कर पाऊंगी।
इसे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे वीनु को क्षमा कर दो। हे गौरी पुत्र, आपका नाम लेने मात्र से बड़े से बड़ा पाप, शाप, ताप सब नष्ट हो जाता है। इनके पापों का अंत करो, देव की माची पर दया करो। हे गौरी पुत्र, हम सब पर दया करो। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश, आप आपकी लीला अपार है प्रभु। हाँ पुत्र। हे मंगलमूर्ति, हे मंगलमूर्ति, आपकी कृपा से सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ। देखा तुमने देवी बुआ, हमारे आराध्य श्री गणेश जी का चमत्कार। हमारा विनु नास्तिक से आस्तिक और आस्तिक ही नहीं, श्री गणेश का परम भक्त हो गया। आप धन है श्री गणेश, आप धन है। आपकी जय हो श्री गणेश। विनु, देखा तुमने, क्षमा निधान श्री गणेश ने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, अपनी कृपा से जीवन दान दिया है। चलो पुत्र, घर चलो, घर चलो पुत्र। और अब कभी मुड़कर भी अन्याय और अपराध के मार्ग पर मत चलना, कभी नहीं। मैं यहां कैसे आ गया? कौन है आप लोग, कौन है? और मैं यहां। विनो, 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 महाराज की जय हो। राजपुरोहित विष्णुदत्त जी पधारे हैं, उनसे कहिए कि हमारी प्रतीक्षा करें। जो आ गया महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। राजपुरोहित विष्णुदत्त जी, आपकी ज्योतिष गणना पर से मेरा विश्वास समाप्त होने लगा है। क्षमा करें महाराज, आपने तो कहा था कि महारानी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी, युवराज से हमारा शीघ्र मिलन होगा। आपकी हर घोषणा असत्य होती जा रही है। नहीं महाराज, मुझे अपनी घोषणा पर पूरा विश्वास है, मेरी गणना असत्य नहीं हो सकती। आप धैर्य रखें, महारानी के स्वस्थ होने का समाचार आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। भक्तिमती महारानी चंद्रावती, आप युवराज चंद्र केतु के लिए शोक न करें। अपनी भक्ति की शक्ति से वे उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां उनका जन्म हुआ था। मेरे कुल के आराध्य श्री गणेश, क्या मैं अपने लाल से मिल पाऊंगी? अवश्य महारानी, यहाँ से पश्चिम दिशा में चंद्रपुर गांव है, जहाँ का गणेश मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या युवराज? उसी गणेश मंदिर के पास तुम्हारे ही समान परम गणेश भक्त देवकी नाम की एक स्त्री रहती है। वह देवकी तुम्हारे पुत्र चंद्रकेतु की बुआ है। चंद्रकेतु के जन्म का नाम दीनु अर्थात दीनानाथ है। इस समय वो अपनी बुआ के पास है। तुम वहीं जाओ, उससे तुम्हारी भेंट अवश्य होगी, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, श्री गणेश की कृपा से महारानी की चेतना लौट आई है। चलिए।
मैंने कहा था ना महाराज, महारानी को कुछ नहीं होगा। महारानी आप, महाराज आप मेरी चिंता ना करें, मुझे शीघ्र ही चंद्रपुर के गणेश मंदिर में ले चलें। चंद्रपुर का गणेश मंदिर? परंतु सोच विचार में समय नष्ट ना कीजिए महाराज, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मेरे आराध्य श्री गणेश जी ने मुझे चंद्रपुर जाकर मेरे पुत्र चंद्रकेतु से भेंट करने का आदेश दिया है। महाराज शीघ्र ही मुझे चंद्रपुर ले चलें। महाराज श्री गणेश कृपा से सब कुछ मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार घट रहा है, हमें शीघ्र चंद्रपुर चलना होगा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। क्या सोच रहे हो अमर वरदानी दयासुर? सोचने और समझने के लिए अब रह ही क्या गया है? अर्थात सचमुच तुम्हारे भीतर का भक्ति भाव आसुरी भाव के सामने पराजित हो गया। क्या तुम भी मुझे अपमानित करना चाहते हो? जो कर्म से मुंह मोड़ता है वो अपमान के योग्य ही होता है। मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रायश्चित? क्या तुम्हें गौरीपुत्र श्री गणेश की बात पर विश्वास नहीं रहा? तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों, गौरीपुत्र ने नहीं कहा था कि भक्त के जीवन में भूल, पश्चाताप और प्रायश्चित का कोई स्थान नहीं होता? तो फिर मैं क्या करूं? जिस भक्त को उसका भगवान, जिस दास को उसका स्वामी ठुकरा दे, वो जीवित रहने का अधिकारी नहीं होता दयासुर। तुम मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु तुम्हारी भक्ति पर लगे कलंक को धो डालेगी। मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु का वरण करो। मैं मृत्यु का ही वरण करूंगा। मैं मृत्यु का ही वरण करूंगा। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। परम जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हे श्री गणेश, हे परम देव श्री महागणेश, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जीने का अधिकार खो चुका हूँ परम देव श्री महागणेश। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं परम देव श्री महागणेश? आपके पूर्ण अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे स्वतंत्र नहीं अनाथ कर दिया है। मैं नहीं जीना चाहता। मुझे मर जाने दे परम देव श्री महागणेश। मुझे मरने दो। दयासुर, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, एक भूल का अंत करने के लिए बार बार भूल करनी पड़ती है? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर असुरों के समान किसी गुफा में जाकर सोना
ये तुम्हारी पहली भूल थी दयासुर। परंतु मैंने कोई दूसरी भूल नहीं की। क्यों? परम देव श्री महागणेश की कृपा से अमरता का वरदान पाने वाला यदि अपने जीवन का अंत करना चाहे तो क्या ये परम देव श्री महागणेश के वरदान का अपमान और भूल नहीं है दयासुर? मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे श्री गणेश, मुझे मेरी भूल के लिए आप दंडित करें, प्रताड़ित करें, परंतु मुझे उपेक्षित ना करें। आपके चरणों की भक्ति के अलावा इस दीनहीन दयासुर का कोई दूसरा आश्रय नहीं है। मुझे क्षमा करें प्रभु, अपनी चरण सेवा का अवसर दे प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। दुख हरता ये है सुख दाता। श्री गणेश।